सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जींद उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री मनीष ग्रोवर ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की। हरियाणा सरकार में मंत्री मनीष ग्रोवर जी हैं और फिलहाल चुनाव प्रचार जींद में कर रहे हैं। सर, किस तरह का माहौल लग रहा है, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जनता का मत यह है कि 9 महीने हमारे जनरल चुनाव में बजे तो इसलिए जींद का विकास होगा, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डॉक्टर मिड्डा की तरफ पक्ष में वोट डालने के लिए। किससे मुकाबला नजर आ रहा है आपको? मुकाबला जनता का प्यार मिल रहा है हमें तो, क्योंकि जनता क्या आप लोगों से, क्योंकि विपक्ष लगातार ये चीजें उठा रहा है कि आखिर बीजेपी की सरकार ने 4.5 साल तक इस इलाके का विकास क्यों नहीं किया, अब क्यों विकास नजर आ रहा है जब बाई इलेक्शन आ गए? विपक्ष को मित्रों को एक बार कैमरा लेकर घुमा के दिखाएं कि जींद के अंदर जितना विकास हुआ, विपक्ष को कि उन्होंने कब प्रदेश के अंदर किया नहीं। इस 52 साल के अंदर 48 साल हमारे उन सर के, 4 साल हमारे, 48 साल पिछली सरकारों के, 4 साल के काम हमारे निकाल लें 48 साल के, वो तुलना कर लें, कांटे पे तोल लें, 4 साल में हमने कितना काम किया, 48 साल में पिछली सरकारों ने कितना किया। एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप लोगों की सरकार है प्रदेश में, इसलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको कोई भी सरकारी तंत्र दे, हम कार्यकर्ता अपनी गाड़ियों में हैं, अपने साधनों में, सरकारी रेस्ट हाउस में नहीं जा रहे, अपने घरों में कार्यकर्ताओं के घरों में रुक रहे हैं। क्या लगता है 31 तारीख को जो चुनाव परिणाम आएगा उसमें बीजेपी के पक्ष में आने की उम्मीद क्या आपको लगती है या कहीं संशय रह गया? जो 5 मेयर जीते थे उसी का छठा ये छक्का और लगेगा। तो ये थे मनीष ग्रोवर जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो 31 तारीख को रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के पक्ष में आएगा और जिस तरह की तमाम जो जन समर्थन मिल रहा है उससे ये उम्मीद है कि बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, MH1 न्यूज़ जींद।